नमस्कार मित्रों, आज मैं अंशिता स्वामी कक्षा 10वीं सा की छात्रा पठन दिवस के उपलक्ष में आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मन तो मेरा भी करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में और हमारे देश में व्याप्त बुराइयों को दर्शाया है। तो लीजिए प्रस्तुत है मन तो मेरा भी करता है। कविता लिखूं चारों दिशाओं पर, मुस्कुराती फिजाओं पर, बल खाती नदियों पर, कलकल बहते झरनों पर, हिमालय के चरणों पर जब भी देखती हूँ आतंकी मंजर को, धमाकों और खंजर को, लुटती पिटती कलियों को, धुएं से भरी गलियों को, नक्सलवादी नारों को, खुले फिरते हथियारों को, जब भी देखती हूँ मैं सिसकते हुए बचपन को, बिकते हुए यौवन को, धक्के खाते बुढ़ापे को, भारत में फैले हुए स्यापे को, जब भी देखती हूँ मैं फांसी पर लटकते हुए किसानों को, समय से पहले बुढ़ाते जवानों को, धक्के खाते बेरोजगारों को, भारत में फैले घोटालों को, मैं लिख नहीं पाती क्योंकि मुझे दिखती है सिसकती हुई माँ भारती, जो हरदम मुझे है पुकारती। इससे मैं सिर्फ लिखती हूँ सैनिक की सांसों को, माँ के उर में चुपती फांसों को, बच्चों के बचपन को, बूढ़ों की उम्र पचपन को, सीता और सतवंती को, सावित्री सी राजवंती को, द्रौपदी और दमयंती को, क्योंकि युग धर्म पर लिखना ही हमारा काम है, तुम्हें मुबारक हो श्रृंगार, देश धर्म पर लिखना ही हमारी शान है। जय हिंद, जय भारत।